स्टेट एग्ज़ाम है आज स्टेट का जो एग्ज़ाम है जिला प्रशासन के द्वारा मेरे को यहाँ पे ड्यूटी एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। मैं डॉक्टर सतपाल डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हूँ करनाल में, और मेरे पास तीन जो है पॉइंट है, डीएवी स्कूल है, गुरु तेग बहादुर और एक निशान पब्लिक स्कूल है। तो तीन स्कूलों के ऊपर मुझे जो भी लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगाया गया है। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? दिशा निर्देश सर यही है भी पीसफुल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो, कोई किसी तरह का दंगा या कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो प्रशासन के द्वारा, और उसी के जो है देख रेख के लिए हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। परीक्षा केंद्र को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी है सर? एडवाइजरी सर वही है जो पुलिस फोर्स भी यहाँ पे लगाई गई है, और जो अननेसेसरी जो है लोग यहाँ पे एग्ज़ाम के सेंटर के आसपास ना बैठें और यहाँ से दूर रहें, मेन तो यही है। धारा 144 जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है प्रशासन के द्वारा। हरियाणा में एचटेट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। दो दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में 74,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 408 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं करनाल जिला की बात की जाए तो करनाल में भी 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां एचटेट के परीक्षार्थी बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी से कुछ समय बाद एग्ज़ाम जो है शुरू होगा, उससे पहले यहां जो परीक्षार्थी आए हैं उनकी एंट्री वो शुरू हो चुकी है। करनाल में भी करीब 7600 के करीब जो परीक्षार्थी हैं एचटेट के वो बैठेंगे। तमाम गाइडलाइन जो हैं परीक्षा को लेकर लगाई गई हैं, हालांकि कुछ बदलाव जरूर इस बार किया गया है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन है उसकी यहाँ ये बैनर जो है प्रदर्शित किया गया कि क्या चीज़ें हैं जो आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते जिनको लेकर। इसके अलावा कुछ छूट अब की बार दी गई है कि जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं उनको अब की बार कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन जिस तरह से ये परीक्षा दो दिन तक आयोजित की गई उसको लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध जो है रखे गए हैं। सघन चेकिंग जो है की जाती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब जो अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देने के लिए आए हैं कि किस तरह से उनकी जांच जो है की जा रही है, तमाम जो दस्तावेज एडमिट कार्ड है उसको जांचा जा रहा है। इसके अलावा उनकी पहचान के लिए जो आधार कार्ड है उसकी जाँच की जा रही है, और आज और कल ये परीक्षा चलेगी। जिस तरह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण ये परीक्षा रहने वाली है। हालांकि इस बार महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन जरूर दी गई है, विवाहित महिलाओं के लिए कि वो बिंदी लगाकर आ सकते हैं, मंगलसूत्र लगा पहन सकती हैं, कई तरह की छूट उनके लिए दी गई हैं क्योंकि इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में महिलाएँ जो है शामिल होती हैं। वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लंबी कतारें अभी परीक्षा केंद्र के बाहर लग चुकी हैं, और अभी से कुछ समय बाद ये एग्ज़ाम जो है शुरू होगा। कल भी एग्ज़ाम जारी रहेगा, और जिस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है अध्यापक पात्रता परीक्षा उसको लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध भी रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि धारा 144 जो है लगाई गई है। और बात कर लेते हैं अधिकारियों से जो है पहुँचे हैं। सर परीक्षा है आज, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के साथ? आप देख नहीं रहे आपके सामने सुरक्षा प्रबंध, पुलिस अपनी तरफ तक पूरी कार कोशिश करिए कोई गलत ना हो। तो जहाँ सेंटर है वहाँ पर क्या नियम रहेंगे सर? नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए होते हैं, पब्लिक उस पर है जिसने निकाल कर देख लो हम तो। बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए हैं कि जो भी सेंटर बनाए गए हैं उनके आसपास कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। धारा 144 जो है लगाई गई है। इसके अलावा करनाल में 13 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां आज ये परीक्षा होगी, और दो चरणों में आज एक इसका पहला चरण होगा, कल ये परीक्षा का दूसरा चरण होगा। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से लंबी कतारें जो हैं अभी परीक्षार्थियों की लगनी शुरू हो चुकी हैं। 2:30 बजे एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की, जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होने के लिए आए हैं और अपने दस्तावेजों की जांच वो है करवा रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।